मकानों पर लिपाई व पुताई के लिए प्रयोग होने वाली छुई मिट्टी ग्रामीणों के लिए आय का जरिया बनी हुई है। ग्रामीणों की माने तो इस मिट्टी को बेचकर उनकी दो वक्त की रोजी रोटी चलती है। हम आपको बता दें कि यहाँ हम छत्तीसगढ़ के सूरजपुर की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आय का कोई भी साधन नहीं है, जिसके चलते लिपाई व पुताई में प्रयोग होने वाली छुई मिट्टी इन लोगों के लिए एक वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इस छुई मिट्टी से इन लोगों का गुजर बसर चलता है। आपको बताते चले कि जिला सूरजपुर के ग्राम पंचायत मदनेश्वरपुर की जमीन लोगों के लिए आय का जरिया बनी हुई है। यहाँ की जमीन पर छुई मिट्टी है। आपको बता दें कि छुई मिट्टी का प्रयोग मकान पर पोताई करने के लिए किया जाता है। यहाँ के ग्रामीण गांव गांव जाकर छुई मिट्टी का विक्रय करते हैं, जिसकी मांग दूर दूर तक जाती है, जिसके चलते यहाँ की छुई मिट्टी ग्रामीणों के लिए सदियों से आय का जरिया बनता हुआ नजर आ रही है। सूरजपुर से संवाददाता तुलेश्वर प्रजापति की रिपोर्ट। मनोज कुमार रजवाड़े। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? ये छुई मिट्टी है, इसको क्या करते हैं? ये घर पोताई करते हैं। और एला हमरे एक ठे का सांचा है, उमें ओला बना के सुखवा के दूसर गांव ले जाती, और दूसर गांव ले जाती ते के बाद जैसा दूरी रहते वैसा एकर दाम मोल हमर करती, और दाम मोल करती और एला बेच दाम मोल करके बेच देती, अब यही से हमर जीवन का परिवार का जीवन यापन होते। और यहाँ तो कुमार, ये छुई माटी को आप किस प्रकार से यूज करते हैं? यही लेच के कहें तो बहुत दूर में कहें मतलब कि बेचते हैं गांव बस्ती में लेच के की करते हैं, फिर वही लेने वाले 2 रुपया पीस पे कहें तब कि खरीदने वाले खरीदते हैं, कहीं कहीं जगह में लेते हैं। ये तो वही छुई मिट्टी बेचते हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, मिट्टी से पैसा मिल जाता है। हाँ, यही में साग पान लेते हैं, इसने चला थे परिवार चला थी, यही बेच बाँच के छुई मिट्टी से। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.